खुदावंद के जिंदा बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। इस वक्त हमारे साथ पास्टर सैफ हैं, तो इन्होंने पिछले कुछ दिन पंजाब में खिदमत की है। आज सबत के दिन हम लोग सियालकोट में थे, तो अभी इनसे पूछते हैं कि इनका ये सारा टूर और आज की इबादत का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जी पास्टर साहब, सी एस के जलाली बाबरकत फजल फतेह मन नाम में आप तमाम बहन भाइयों बुजुर्गों नौजवानों की सलाम की हो, जिन्होंने हर रोज़ हमारे लिए खुदा के आगे हाथ उठाए, दुआ की और खुदा हमें अपने कलाम के लिए यहाँ पर अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। जैसा कि हम गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, लाहौर में, तो आज सुबह हम सियालकोट में थे, तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा के कलाम से हम सब ने बरकत पाई, कलीसिया ने भी बरकत पाई और यहाँ के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं और खुदा की आवाज़ को सुनने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने खुदा के कलाम के वसीला से शिफा पाई, रिहाई पाई, अपनी सोचों को बदला, अपने ख्यालों को बदला। तो उम्मीद वो लोग कहते हैं हम करते हैं कि आज फिर दोबारा जल्द आए ताकि हम आपके साथ मिलकर खुदावंद की इबादत करें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। तो आज सुबह मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे साथ डीकन विजय हैं, जिन्होंने हर जगह पर जाकर खुदा के कलाम के लिए लोगों को मोटिवेशन किया कि आए हम इबादत करें। फैसलाबाद में जब हम गए तो इनके तसलसल से वहाँ पर खुदा का तख्त लगा और बहुत सारे खानदानों ने शिफा पाई। बेशक तो हम उम्मीद करते हैं खुदा से कि खुदा बहुत हमें वापस यहाँ पर लेकर आएगा। मैं पास्टर असलम का शुक्र गुजार हूँ, पास्टर नईम जॉन का शुक्र गुजार हूँ, जिन्होंने अपने घरों में, अपने चर्चिस में हमें दावत दी ताकि वहाँ पर जाकर हम खुदा के कलाम को सुनाएं और खुदा के लोग बरकत पाएं। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। पंजाब, पंजाब के लोग बहुत अच्छे हैं। आमीन।